हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर रात की जो है वो रोटियाँ 2 बज गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको क्रिस्पी करते हैं, मतलब जैसे खस्ता वगैरह नहीं होता है उस टाइप का। तो बहुत से लोग इसे डीप फ्राई करते हैं, बट मुझे थोड़ा सा, मैं अवॉइड करती हूँ डीप फ्राई करना। तो ये ना थोड़ी सी टूट रही थी बीच से, तो इसे मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल डाल के, ऑयल डालना है थोड़ा सा, और अच्छे से क्रिस्पी होने तक रखना है इसे। मेरी ना थोड़ी सी जल भी गई थी बीच में, मैं थोड़ा सा वहाँ पर बेसिन के पास चली गई तो ये बीच में जल गई थी, तो इस तरह से। बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, वैसे भी थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है ना तो अच्छी लगती है ये। इस पर ना लाल मिर्च पाउडर और नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत लोग इसे डीप फ्राई करके भी खाते हैं, उस पर भी ऐसे ही करते हैं, बट मेरी आप देख सकते हो अभी ये वाली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। इस तरह से अगर आप बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी लगती है और सभी को पसंद आती है। तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ ऐसे, मतलब जब भी बच्चों का खाने का मन करता है तो या मेरा खाने का मन करता है तो बनाती रहती हूँ। और ये ना ऑयल के कंटेनर को बहुत सारे हाथ लग जाते हैं ऐसे ही गंदे, तो इसी वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो मैंने सोचा चलो इसको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना इसे आटे वाटे के हाथ लग जाते हैं कभी, आटे के टाइम पे, मतलब आटा भिगोने के टाइम पे मैं हाथ लगाती हूँ कभी उसे, तो इसी वजह से वो हाथ लग जाते हैं कभी कभी उसे। तो मैं इसीलिए बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। और माहिना 2-3 दिनों से ना भगवान की ही चीज़ें क्लीन कर रही है, मतलब भगवान का जो ड्रॉअर है वो क्लीन किया उसने अभी, उसको जैसे जैसे उसको दिख रहा है आगे वो सारी चीज़ें वो क्लीन कर रही है। तो यहाँ पर उसे ये थाली दिख गई थी भगवान की, एक लोटा है भगवान का वो उसे दिख गया था, थोड़ा सा गंदा था, तो वो भी क्लीन कर रही है थोड़ा सा पीताम्बरी ले लेके। तो ऐसे मतलब टीवी देखते देखते उसे लग रहा कि क्या करे, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा है उसका, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ काम कर रही है, मतलब हेल्प तो कर रही है कम से कम। तो ऐसे करते रहती है वो, और कभी ड्राइंग करती है, यहाँ पर ही बैठ के टीवी देखती रहती है। और उसे ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दिन भर उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता रहता है टीवी पे, और ये अद्विक उसे परेशान करता है बेचारा, वो भी क्या कर सकता है। तो वो उसका क्रिकेट खेलते रहता है और माही इधर कुछ ना कुछ काम करती रहती है और टीवी देखती रहती है। बीच में अगर अद्विक को याद आया तो अद्विक उसे फिर कार्टून लगाने के लिए बोलता है, तो वो कार्टून भी लगा देती है, वो दोनों साथ में देखते हैं। फिर ऐसे ही उनके साथ में सुबह होती है और ऐसे ही खेलते हैं साथ में, और यही चल रहा है अभी लॉकडाउन के पीरियड में दोनों का। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, और आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर वड़ा, वड़ा सांभर जो भी कुछ बोलते हैं। और आज ना मैंने पहली बार, मतलब कितने दिनों के बाद, पहली बार नहीं बोल सकती हूँ, कितने दिनों के बाद बुलेट लिपस्टिक अप्लाई की है। मुझे ना बुलेट लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये ऐसे चिप चिप चमकती है ना, इस वजह से बिल्कुल पसंद नहीं आती है। यानी अभी रिमूव करने का मन कर रहा है। मैं ज़्यादातर आपको दिखता होगा कि लिक्विड लिपस्टिक ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो मैट होती है, मुझे इसी वजह से वही पसंद आती है। ये ना ऐसे शाइन कर देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, एकदम गंदी सी लगती है। बट आज मैंने सोचा चलो आगे दिख गई तो काफ़ी दिनों के बाद ये शेड अप्लाई किया है। ये शेड ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था पहले, मतलब अच्छा दिखता था, तो वो मैट होने के बाद अच्छा दिखता है, बट ये अभी अभी लगाई है ना मैंने, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पता नहीं चेंज करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। बट ये गया है सांभर का सामान लाने, क्योंकि घर पे कुछ भी सब्जियाँ नहीं है, तो सांभर का सामान लाने गया है। पास में ही एक शॉप है तो वही से लेके आएंगे। और पता नहीं अभी वो शॉप कभी कभी ओपन रहती है, कभी कभी बंद रहती है, तो आज बंद है या ओपन है पता नहीं, वहाँ पर गया है लेकिन लेके आएंगे, तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं सांभर किस चीज़ से बनाऊँ। तो अगर नहीं होगा वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होगी
तो सांभर पता नहीं अभी कौन सी चीज़ का बनाऊंगी, अभी सिंपल सा सांभर बनाना पड़ेगा। और मैंने दाल डाली थी आपको पता है उड़द की दाल, वो अभी पीसूंगी और उसका ही बनाऊंगी वड़ा सांभर। यहाँ पर मेरी चाय पड़ी है तो वो मैं पहले गर्म कर लेती हूँ, पी लेती हूँ और उसके बाद कामों में लग जाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसमें चाय पी है तो लिपस्टिक कितनी गंदी तरह से ट्रांसफ़र होती है ये वाली, इसी वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती बुलेट लिपस्टिक। जो ट्रांसफ़र होने वाली लिपस्टिक होती है ना बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, मैं चेंज करती हूँ जल्दी से ये वाली लिपस्टिक, नहीं तो मेरा ध्यान उसी पे जाएगा। ब्लॉगिंग करते करते आपसे बात करूँगी और ध्यान उसी पे जाएगा। चलिए चेंज करती हूँ पहले, उसके बाद काम में लग जाती हूँ। सो अभी चेंज करने वाली हूँ और पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ। और ये मैं लगाने वाली हूँ SQ की लिपस्टिक, इसका शेड नंबर मैं आपको बाद में बताऊँगी और अभी फ़िलहाल तो इसे रिमूव करूँगी, बाहर लगने का डर भी लगता है, अच्छे से संभाल के रिमूव करना पड़ेगा मुझे इसे। हो गई, तो चलिए अभी ये वाली लगाती हूँ, ये है SQ की, एक मिनट, ये टू हॉट फॉर डेट नाइट 7, तो ये लिपस्टिक है और ये ना रेड है, तो मतलब रेड मीन्स मरूनिश कलर है इसका, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब कलर इसका बहुत प्यारा लगता है। अप्लाई करने के बाद आप देखना, बहुत सुंदर कलर है, बहुत ज़्यादा। अब बताइए कैसे लग रहा है शेड, सुंदर लग रहा है ना, मुझे पता था ये शेड मुझ पर सूट होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला शेड। जल्दी से कामों में लगते हैं, अभी बनाने वाली हूँ वड़ा, पहले सांभर का तो कुछ आता पता है नहीं क्योंकि सांभर के लिए ये लेने गए हैं बट अभी तक नहीं आए हैं, जब तक नहीं आते हैं तब तक पता नहीं, नहीं तो जो तड़के वाली दाल होती है वही बनानी पड़ेगी। अभी देखते हैं जो कुछ होगा घर पर उसी का बनाना पड़ेगा, तो चलिए किचन में चलते हैं। ये गए थे लेने के लिए बट वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो अभी घर की चीज़ों से ही काम चलाना पड़ेगा। घर पे है भिंडी है, आवाज कितना, घर पे भिंडी है थोड़ी सी है और सांभर का काम चल जाएगा, और क्या है आलू है और टोमेटो है और क्या है बस प्याज, बस इतने तीनों चारों में ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इमली भिगोने के लिए डाल रही हूँ, इमली भीग जाएगी पता नहीं, अभी पहले भिगोने के लिए डालनी थी मुझे, ये अभी पता नहीं जल्दी भीग जाएगी या नहीं, तो गर्म पानी कर दूँ और गर्म पानी से हो जाएगा। तो अभी पीसना है दाल और मेरा गैस भी जल्दी नहीं चलता, ये गैस ये पूरे खराब हो गए, गैस भी जल्दी नहीं चलता, ये मैं दिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, तेल निकाल दिया इन्होंने। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये पिछले वाले गैस पे आप क्यों बनाते हो खाना, तो डियर ये गैस आगे की चलती नहीं है और रिपेयरिंग के लिए भी आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसी वजह से अभी काम चलाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं पीछे के गैस पे ही चलाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेम देते हैं और ये आगे के ज़्यादा फ्लेम नहीं देते हैं। अभी इसे रिपेयर करना पड़ेगा, एक बार लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं जैसे फ्राई वगैरह की चीज़ें, मतलब तेल वगैरह टपकता है तो उसके अंदर बैठ जाता है वो, तो उसे क्लीन करना पड़ता है बार बार, ये काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया है तो इसीलिए इसकी फ्लेम ना बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए ये चलते नहीं है आगे के, मतलब बहुत कम फ्लेम है तो खाना बहुत लेट पकता है, इसीलिए मैं पीछे की यूज़ करती हूँ।
इन्होंने काट के दे दी है मुझे सारी चीजें जो सांबर के लिए चाहिए होगी। यहाँ पर सिर्फ इतनी भिंडी थी, दो टोमेटो लिए हैं, एक आलू लिया है और प्याज लिया है, बस इतनी ही चीजें हैं, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर सांबर बनाने के पहले ना मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है। दाल थोड़ी पक जाए, मैं यहाँ आवाज मत करो बेटा, दाल थोड़ी पक जाए तो उसके बाद मैं इसमें सारी ये चीजें डाल दूंगी और फिर और एक सीटी लगा लूंगी। मतलब ये जो चीजें हैं उसमें थोड़ी सी दिखेगी, ज्यादा गलेगी नहीं, तो इसी वजह से मैं ऐसे करती हूँ, पहले दाल पका लेती हूँ उसके बाद उसमें एक सीटी लगा लेती हूँ ये सारी चीजें डाल के, तो वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर दिखती है फिर। तो चलिए यहाँ पर रख दिया है मैंने तेल गरम करने के लिए, अभी बड़े बना लेते हैं, उसके बाद सांभर भी बन जाएगा और रेडी हो जाएगा हमारा वड़ा सांभर। बहुत टेंशन में आ गई थी मैं, ये देखिए पूरा गैस पे तेल ही तेल जम गया है, यहाँ से मैंने वो पूरा निकाला है, पूरा चिपक गया था यहाँ पे, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पर पूरा चिपक गया था, बड़ा जो है अभी बालों में यहाँ से फट गया था, मतलब पूरा फट गया था वो, पता नहीं एयर वगैरह उसमें रह गई होगी तो इसी वजह से वो फेंटना अच्छे से जरूरी होता है, एयर रह गई होगी इसीलिए ना वो यहाँ पर फट गया। अभी मुझे डर लग रहा है एक्चुअली, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, पूरा गैस पर तेल ही तेल है, जहाँ देखो वहाँ तेल है, नीचे का मैंने अभी क्लीन किया है, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार मुझे, पूरा मेरे मुंह पे आ गया था वो फट के, पूरा ऊपर चला गया और जो ऑयल है उसमें का वो मेरे मुँह पर आ गया था। अभी मैंने टॉवल से क्लीन किया है और पानी नहीं मारा है ऊपर, बट अभी पता नहीं उसके दाग दिखेंगे या ये क्या पता नहीं, अभी थोड़ी सी जलन हो रही है, ज़्यादा नहीं बट अभी देखती हूँ, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ क्या था। हेलमेट पहन लिया था नहीं यार, माई बोल रही है हेलमेट पहन लिया करो कुकिंग करते टाइम, अब सच में मुझे भी लग रहा है अभी कि हेलमेट पहना करो कुकिंग करते टाइम, ऐसी तो फ्राइड चीजें बनाने के टाइम तो करना ही पड़ेगा, हेलमेट पहनना ही पड़ेगा यार, अजीब सा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले क्या, अभी मैं हंस रही हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी मैं कि पूरा मुंह पे, हाँ हेलमेट का बोला इसीलिए हंस रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, पूरा मुंह पे ऑयल आ गया था मेरे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर पूरा ऑयल ही ऑयल जमा है, और यहाँ पर बड़े डाल दिए थे मैंने, इसमें से एक बड़ा ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से फट गया था वो, और ये देखो यहाँ पर भी ऑयल ही ऑयल है, नीचे का टाइल्स का जो ऑयल है वो मैंने अभी क्लीन किया है, बट यहाँ पर पूरी जगह पे आपको ऑयल ही ऑयल दिखाई देगा, इतना तेजी से फटा कि आपको क्या बताऊँ, ये पूरे जाली पे भी ऑयल लगा हुआ है, और माही को लगा कि अद्विक ने कुछ गिरा दिया होगा, सब लोग भाग के आए यहाँ पे, इतना तेजी से आवाज कैसे आया, मतलब इतना जोर से आवाज किया उसने, मतलब सडनली हुआ ना, तो इस वजह से मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, एकदम आंखों पे भी ऑयल चला गया यहाँ पर पलकों पे ऊपर, और यहाँ पे पूरे बूंदे ऑयल की गई, तो एकदम से मैं घबरा गई थी, तो यहाँ पर ये आए तो पूछने लगे क्या हुआ, तो मैं टेंशन में आ गई थी क्या हुआ, सब लोग दौड़ के आए यहाँ पे, सब लोग हॉल में बैठे थे, और इतने बड़े बन गए हैं मेरा, अभी मेरे बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी इसे क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि जलन भी बहुत हो रही है फेस पे, अभी हंसी आ रही है मुझे, माही ने जोक मारा, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी यार क्या हुआ आज। अच्छा हो गया हादसा नहीं हुआ, मतलब कुछ हुआ नहीं, इतना ज्यादा बच गई मैं, नहीं तो बस सच में हेलमेट पहनना पड़ेगा मुझे। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने दूर तक उड़ा है वो मतलब ऑयल उसमें से, और इतना तेज़ी से फटा ना, आपको क्या बताऊँ। जब भी आप ऐसे मेदू वड़ा या कुछ भी बनाते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रह के बनाया करो यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। जब भी मैं बनाऊँगी ना, तो अभी दूर रह के ही थोड़ा सा बनाऊँगी, ऐसे एकदम से वहाँ पर पास रह के नहीं बनाऊँगी। कोई भी फ्राइड चीज़ें बनानी हो तो ऐसे ही बनाऊँगी मैं, मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जो बाकी का बचा था, मेरा मन नहीं किया फिर बनाने का, तो इन्होंने फिर मुझे बोला कि जाओ आप थोड़ी सी रेस्ट करो। और फिर मैं वहाँ पर कूलर के सामने बैठ गई थी, तो इन्होंने ये बड़े बना दिए थे और ये सांभर भी बना दिया था। सो गाइस, बचा कुचा इन्होंने बना लिया था, और मतलब जो भी बचा था वो इन्होंने बनाया था। और हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, थोड़ी सी जलन भी हो रही है फेस पे, तो अभी फेस वॉश करती हूँ और इस पर ना वो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब तेल उड़ गया था, यहाँ पे बहुत जलन हो रही है अब फेस पे, यहाँ पे और सिर पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ लगा है कि हाँ ये देखिए यार, बहुत ज़्यादा पता नहीं अभी कल तक ये क्या होगा इसका। यहाँ पर तो दिखाई भी दे रहा है, ये देखिए आप छींटे उड़े हुए, तो अभी पता नहीं कल तक क्या होगा, फेस पे रिएक्शन ना हो जाए इसका। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा। फेस वॉश कर लेती हूँ और फेस पैक भी अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा लगने लगेगा तो अच्छा लगेगा। और बिल्कुल नाम लेने का मन नहीं कर रहा है आज, तो सो सॉरी डियर उसके लिए। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।